हाँ जी, 8th क्लास स्टूडेंट्स, मैनूं उम्मीद है कि बेटे मैं तुहानूं जिन्ना भी पंजाबी दा वर्क करवा रही हूँ तुसीं बहुत वधिया कर रहे हो। इसे तरह ही बेटे अपनी कहानी है झूठा आजड़ी, तो बेटे ये बहुत ही इंट्रस्टिंग ते एक वधिया कहानी है जिहड़ी कि तुसीं पहलियां क्लासां 'च भी कीती होवेगी। तो मैं तुहानूं इस कहानी बारे थोड़ा जिहा दस भी दिंदी हाँ। जिवें बहुत पुराने समय की गल है कि जंगल के नज़दीक एक छोटा जिहा पिंड सी, ते उस पिंड दे विच एक गरीब जिहा आजड़ी रहिंदा सीगा। तो वह की करता सी बेटे, वह नेड़े ही भेडा बकरियां चराया करता सीगा, ते पिंड दे लोग भी उसनू चंगा समझते सन। तो एक दिन आजड़ी नू एक शरारत सूझी, तो फिर उसने की किया, उच्ची थां चढ़ गया, तो रौला पौन लग पिया। उसने कहा कि शेर आ गया, शेर आ गया। इस तरह पिंड दे लोग उसकी आवाज़ सुन के इकट्ठे हो गए डांगा सोटे लैके। तो फिर आजड़ी ने दस्या कि उसने तो की एवें मखोल ही किया है, इत्थे कोई शेर नहीं आया। पिंड वासी मुड़ गए। उसने महीने विच बेटे 2 या 3 बार अजिहा ही किया। परमात्मा वालों फिर अजिहा पाना वापरिया कि एक दिन जदों आजड़ी भेडा बकरियां चार रहा सी तां अचानक ही शेर आ गया। आजड़ी ने बहुत रौला पाया। पिंड दे लोकां ने गल तां सुनी ते उन्होंने सोचा कि वह एवें मखोल कर रहा होवेगा, वह आजड़ी की सहायता लई ना पहुँचे। तो फिर इन्ने नूं की होया बेटे, इन्ने नूं शेर भी कोल आ गया, तो उसने आजड़ी दियां सारियां भेडा बकरियां मार मुकाइयां। इस तरह आजड़ी ने कदे भी झूठ ना बोलने लिए कन्ना नू हाथ लाया। तो बेटे इस कहानी तो आपां नू यही सिक्ख्या मिलती है कि कदे झूठ ना बोलो, जा झूठ का अंत बुरा हुंदा है। तो बेटे ये बहुत ही वधिया जिहड़ी कहानी है, तुसीं इस नू चंगी तरह याद कर सकते हो, याद करके लिख के भी देख सकते हो। जे तुहानू कोई भी मुश्किल आई तो मैं दोबारा भी करवा सकती हाँ। थैंक्स।